हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लेटलेट होती क्या है। ठीक है, प्लेटलेट क्या होती है? एक टाइप के ब्लड सेल्स होती है, जिसे हम फॉर्म एलिमेंट भी कहते हैं, ब्लड के फॉर्म एलिमेंट भी कहते हैं। फॉर्म एलिमेंट मीन्स कि जो पार्ट जो ब्लड में सेटल हो जाता है, जैसे प्लाज्मा पोर्शन जो रहता है वो ऊपर की साइड रह जाता है, लेकिन जो पोर्शन सेटल्ड हो जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, तो जो सेल्स होती है वो क्या होती है? नीचे की साइड बॉटम में बैठ जाती है, सेटल्ड हो जाती है। जो प्लेटलेट्स होती है वो क्या होती है? स्मॉल होती हैं, कलरलेस होती हैं एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। मतलब जो प्लेटलेट्स होती है वो कुछ ज़्यादा स्मॉल होती है, समथिंग इसका डायमीटर होता है 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, और इसमें ये क्या होती है? कलरलेस होती है, इसमें कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता है। फिर नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब जो प्लेटलेट्स होती है उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। एज ए साइटोप्लाज्म में जो फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक है, एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम शेप क्या होता है। जो प्लेटलेट्स होती है उसका कोई पर्टिकुलर एक शेप नहीं होता है। प्लेटलेट्स होती है स्फेरिकल भी हो सकती है, रोड शेप्ड भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है या डिस्क शेप्ड भी हो सकती है जब वो इनएक्टिवेटेड होती है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी जो प्लेटलेट्स होती है उनका शेप डंबल शेप भी हो जाता है, कॉमा शेप हो जाता है, सिगार शेप हो जाता है और अदर अनयूजुअल शेप भी हो सकते हैं प्लेटलेट्स के। ठीक है, ये बात हुई अपने इंट्रोडक्शन की। उसके बाद हम बात करेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो सेल का जो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन की हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन या सेल सरफेस जिसे हम बोलते हैं वो होती है। ठीक है, अपर पार्ट जो होता है उसे हम सेल सरफेस या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो लेयर होती है उसे। उसके बाद माइक्रोट्यूबल्स जो क्या होती हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड होती है। उसके बाद बात करेंगे हम साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हमने तीन चीज़ों की बात की है। उसके बाद बात करेंगे हम सेल मेम्ब्रेन, ये होती क्या है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो 6 नैनोमीटर थिक लेयर होती है। ठीक है, जो किससे बनी होती है? तो लिपिड की होती है, जो कि ये एक लिपिड की लेयर होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड ग्लाइकोर प्रोटीन्स की बनी होती है, इन तीनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब बात करेंगे फंक्शनली इम्पोर्टेंस की। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये दो सब्सटेंस होते हैं जो कि फंक्शनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे माइक्रोट्यूबल्स की। माइक्रोट्यूबल्स होती क्या है? ठीक है, तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ होता है? जो साइटोप्लाज्म होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूबल्स। तो ये जो माइक्रोट्यूबल्स होती है वो किससे बनी होती है? एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है जिसे ट्यूबुलिन कहा जाता है, उससे माइक्रोट्यूबल्स जो होती है बनी हुई होती है। ठीक है, और ये क्या करती है? जो ट्यूबुल्स होता है उसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या वर्क करती है? ठीक है, तो जब प्लेटलेट्स होती है इनएक्टिवेटेड होती हैं तब उसका जब डिस्क शेप होता है उसको मेंटेन करके रखने के लिए उसके स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जो सेल्स होती है वो उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है प्लेटलेट में, जो प्लेटलेट का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कुछ सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, जैसे गॉल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, माइक्रोवेसल्स, फिलामेंट्स एंड ग्रेन्यूल्स, ये कंटेंट्स होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म में और क्या प्रेजेंट होता है। तो कुछ केमिकल सब्सटेंस भी होते हैं जैसे प्रोटीन, एंजाइम एंड हार्मोनल सब्सटेंस होते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं या साइटोप्लाज्म में कंटेन होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम नॉर्मल काउंट कितना होता है एंड वेरिएशन कितना होता है। वेरिएशन क्या होता है?
ठीक है। तो इसमें नॉर्मल काउंट जो होता है वो कितना होता है इसका, 2.4 लेख पर क्यूबिक mm, ठीक है। इतना आपका जो होता है नॉर्मल काउंट होता है प्लेटलेट्स का। उसके बाद बात करेंगे फिजिकल वेरिएशंस, ठीक है। तो फिजिकल वेरिएशन में हम बात करेंगे कि प्लेटलेट्स होती है, एज के बेस पे अगर हम देखेंगे तो प्लेटलेट्स जो होती है वो क्या होती है, इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें काफ़ी कम होती है, मतलब 1.5 to 2 लैक्स समथिंग, जो 2 लैक्स पर क्यूबिक mm समथिंग क्या होती है प्लेटलेट्स होती हैं। लेकिन जब थर्ड मंथ का हो जाता है बेबी, उसके बाद उसमें क्या होती है, रिच होती जाती बढ़ती जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मेल फीमेल में, मतलब सेक्स के बेस पे मेल फीमेल में क्या होता है डिफरेंस। तो कोई पर्टिकुलर कोई डिफरेंस नहीं होता है मेल फीमेल में, उनकी इक्वल होती है प्लेटलेट काउंट जो होता है, इक्वल होता है। लेकिन मेंस्ट्रुएशन की साइकिल की टाइम जो होता है फीमेल में रिड्यूस हो जाती है प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हाई अल्टीट्यूड, मतलब अगर ऊंची जगह पर कोई इंसान जाता है तब उसका प्लेटलेट काउंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर मील, मतलब कभी फूड टेकिंग के बाद प्लेटलेट काउंट क्या होता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम पैथोलॉजिकल वेरिएशंस की। तो पैथोलॉजिकल वेरिएशन में हम बात करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड थ्रोम्बोसाइथेमिया, ठीक है। ये क्या कंडीशन होती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब जो थ्रोम्बोसाइट्स होती है उनका काउंट क्या होता है, कम हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। और जब थ्रोम्बोसाइट्स का काउंट इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम थ्रोम्बोसाइथेमिया, ठीक है। थ्रोम्बोसाइथेमिया वो कंडीशन होती है जिसमें बोन मैरो जो रहती है बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स बनाने लग जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्लेटलेट बनने लग जाता है बोन मैरो में, उस कंडीशन को हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइथेमिया। थैंक यू।